आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। तो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी फाइनली रिहा हो चुके हैं। उनसे मिलने पहुंचे यति नरसिंहानंद गिरी ने प्रमुख घोषणा की कि अब भविष्य में कोई धर्म संसद नहीं, अब सामाजिक जीवन छोड़कर मैं धार्मिक कार्यों में अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा। अब वो भागवत गीता का पाठ करेंगे। इस दौरान उन्होंने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से माफी भी मांगी और इस्लामिक जिहाद के पूरे विश्व के सबसे बड़े आवाज यति नरसिंहानंद गिरी ने खुद को अपमानित और पराजित महसूस करते हुए इसे छोड़ने की घोषणा की। अब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी क्यों पराजित हुए, क्यों अपमानित हुए, किसके द्वारा अपमानित हुए? सरकार राष्ट्रवादी थी, सरकार के अलावा किसने दबाया? आईपीसी में हेट स्पीच का कोई धारा नहीं, उसके बावजूद भी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को 4.5 महीने जेल में बिताना पड़ता है। आज उन्हें अंतरिम जमानत मिलती है, जिसे आप जमानत नहीं बोल सकते, वो 3 महीने के लिए है। 3 महीने के बाद कोर्ट विचार करेगा कि इनके ऊपर क्या करना है। उनकी सम्मान के लिए यति नरसिंहानंद गिरी भी 1 महीने जेल में रखकर है। तो यति नरसिंहानंद गिरी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की स्थिति देखते हुए छुप धोकर इस तरह के निर्णय लिए। ये सब कराया राष्ट्रवादी सरकार ने। कुछ मास्टर स्ट्रोक वादी, पहली बात कि उनके बाप फिक्स नहीं है, पूछते हैं कि इनके बारे में बात करो, उनके बारे में बात करो, जैसे लगता है कि हमें तनख्वाह दे रहे। और अगर तुम्हें देखना ही है तो जाकर चेक करो, तुम्हारे जितने भी बाप होंगे सबका पर्दाफाश हुआ है, या भविष्य में भी जिनको बनाने वाले हो उनका भी पर्दाफाश मिलेगा, क्योंकि हम बख्शते किसी को नहीं है। आ जाते हैं मुंह उठा के कि इसके बारे में बात नहीं करते, उसके बारे में बात नहीं करते। अब ये जो आज की समस्या है, इसके लिए मैं नेहरू जी को जिम्मेवार बताऊं कि नेहरू जी ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जेल में डलवा दिया। जो स्थिति आज हुई इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, वरना तौकीर जैसे लोग जो खुलेआम धमकी देते हैं कि हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं होता। अगर आप एक्टिव हैं, जाइए किसी मजहबी के खिलाफ FIR दर्ज कराने। पुलिस मामला ही दर्ज नहीं करती, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। तो आखिर इतना दोहरा मापदंड क्यों? क्या ये जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी इतने दिन जेल में रहकर है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है? अंत अंत तक सरकार के वकील ने उनकी जमानत का विरोध किया, वो भी अंतरिम जमानत का भी। और अंतरिम जमानत भी जो मिली वो सरकारी वकील की वजह से मिली, क्योंकि इन लोगों ने शंका जाहिर की कि ये लोग बाहर निकल जाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। तो जो तौकीर हो वैसी जैसे लोग बाहर रोज तूफान खड़ा कर रहे हैं, उनको तो कभी ये लोग जेल में नहीं डलवाते। ऊपर से मास्टर स्ट्रोकवादी मुंह उठाकर चले आते। तो तुम इनकी रणनीति को नहीं समझोगे। अब जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी को एक तस्वीर भेंट कर दी, अब मास्टर स्ट्रोकवादी इसमें समझा रहे हैं कि देखो इसमें भविष्य का संकेत छिपा हुआ है। तो ये लोग सिर्फ फोटो खिंचाने में ही संकेत ढूंढते हैं और भविष्य देखते हैं। उनकी क्या नीतिगत फैसला है, वो कोर्ट में क्या स्टैंड रखते हैं, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर वाकई ये लोग गंभीर हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, आप देखेंगे कि ये लोग फिर नौटंकी करेंगे। उसके ऊपर चर्चा मत करो, चर्चा करो कि ज्ञानवापी का सर्वे हुआ तो मोदी जी ने कुछ सोच समझकर ही काशी को चुना था, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही भाप लिया था कि मैं बनारस का सांसद बनूंगा, उसके बाद कोई याचिका डालेगा, उसके बाद जो सर्वे होगा वो मोदी जी के सब रहमोकरम पर हो रहा है। मोदी जी के रहमोकरम पर कॉरिडोर बना, कॉरिडोर बनाते वक्त ज्ञानवापी को और मजबूत किया गया और मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी बोलते हैं कि यह सब झूठ है, यह सब कुछ हुआ ही नहीं, और जो हुआ भी तो सब अवैध मंदिर थे। हमारे प्राचीन मंदिर वो भी अवैध प्लेटफॉर्म पे मजार बन जाते हैं, उन्हें हटाने की इनकी हिम्मत नहीं होती। बोलते हैं कि हां अवैध तो है, ये लोग राज्यसभा में अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन हटाना बहुत मुश्किल काम है। तो मजार इनके लिए वैध है और मंदिर अवैध है, ये लोग कूड़ा कचरा बताते हैं। वहां पे मूर्तियों को खंडित कर नाले में बहाया गया, इसके लिए जिम्मेवार मोदी को बताओ ना।
आज जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी या फिर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के साथ जो कुछ भी हुआ, जाहिर सी बात है कि सरकार चाहती है कि इस तरह की एक्टिविटीज को दबा दिया जाए। जब ये लोग विपक्ष में थे तो यही स्टैंड इनका भी था। आज जो बीजेपी आरएसएस सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, डीएनए मिला रही है, ये लोग पहले ये काम नहीं करते थे। जो आज ये लोग धर्म संसद में किए, यही काम ये लोग विपक्ष में होते हुए करते थे। चुनाव आता है तो उसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर लोग धर्म संसद कर ले तो इनको इतना प्रताड़ित कर दो कि ये लोग अंदर से टूट जाए और भविष्य में ऐसा कुछ करने के लिए ना सोचे। जिसका परिणाम हुआ कि यति नरसिंहानंद गिरी को छुप धोकर यह घोषणा करना पड़ा कि अब मैं सामाजिक जीवन छोड़ रहा हूं, धार्मिक जीवन जीऊंगा। उसके बाद बिराथू का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। बिराथू को वहां की सरकार ने सपोर्ट किया था, इस तरह से दबाया नहीं गया था। लेकिन अच्छाई कुछ हो तो उसका क्रेडिट इस सरकार को दो, कुछ गलत हो तो नेहरू जी को जिम्मेवार बताओ। यही है इनका मास्टर स्ट्रोक। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना चाहिए। लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना।